जेएमडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत के सूत्र। सेहत के सूत्र में आज हम बात करेंगे बोन एंड ज्वाइंट केयर की। ये पूरा जो मानव शरीर है ये हड्डियों के ढांचे पर निर्मित है, और यही हड्डियां अगर जब कमज़ोर हो जाती हैं तो शरीर में तमाम तरह के रोग पैदा होते हैं, व्याधियाँ होती हैं। इसलिए इन हड्डियों की मजबूती कैसे रहे, कैसे इनकी केयर की जाए कि ये लाइफ लॉन्ग चलती रहें और हमारा साथ देती रहें जब तक ये शरीर है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उसकी केयर करना सीखें। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर साहब GSVM मेडिकल कॉलेज में आर्थो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले चूंकि हम लोग आज बोन एंड ज्वाइंट केयर की बात कर रहे हैं, और कहा यह जाता है कि हड्डियों की मजबूती बचपन से शुरू होती है, बल्कि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हड्डियों की मजबूती यानी बोन केयर कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके बोन की, हड्डियों की, जोड़ों की केयर जब हम लोग अपने गर्भावस्था में, या बच्चा गर्भावस्था में रहता है, उस दिन से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस दिन से ही माँ को एक ख्याल रखना पड़ता है कि उसको अपने घर के सेहत के बारे में, उसके मानसिक विकास के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में पूरी ध्यान और केयर करनी है। उसके लिए उसको खान पान, रहन सहन और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव उस दौरान रखने पड़ते हैं, खास करके खान पान के बारे में। तो उस समय से ही बोन और शरीर की केयर शुरू हो जाती है, खास करके गर्भावस्था के आखिरी दिनों में, जिसमें हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपके शरीर का विकास पूरा हो, मानसिक विकास पूरा हो, शारीरिक विकास पूरा हो, और साथ साथ हड्डियों का विकास पूरा हो। उसके लिए समुचित भोजन, संतुलित आहार लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छा, बच्चे को अगर इस समय लापरवाही बरती जाती है तो क्या परेशानियाँ आगे चल के आती हैं? बच्चा अगर गर्भावस्था में भी, खास करके कैल्शियम और मल्टीविटामिन डिफिशेंसी से माँ उस समय किसी वजह से नहीं ले पाती, आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से, तो उसका दुष्प्रभाव बच्चे की सेहत पर पड़ना लाजमी है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में तमाम तरह के विकार होते हैं, खास करके उसका मानसिक विकास नहीं होता, और कुछ जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके शारीरिक विकास में कमी आती है। बच्चा जब पैदा होगा तो उसके शरीर में बनावट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बच्चे का सिर बड़ा होगा, हड्डियाँ पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती हैं, और आखिरी दिनों में कैल्शियम अगर नहीं लिया गया है गर्भावस्था के, तो कैल्शियम की वजह से शरीर में हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, बच्चा अपंग पैदा भी हो सकता है, या उसके शरीर में तमाम तरह के टेढ़ेपन के विकार होने लाजमी हैं। हाँ, ये कई बच्चों में देखा जाता है कि जिसे जब बच्चे चल रहे होते हैं तो कोई हड्डी में हल्का सा टेढ़ापन या चलने में दिक्कत महसूस करते हैं, या फ्लैट पैर हो जाता है, ये सारी डिफार्मिटी उसी वजह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हड्डियाँ जब कमज़ोर होगी और उस पर भार दिया जाएगा तो शरीर का विकास तो एक समय के साथ अपना होना लाजमी है, तो शरीर का वजन भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी हड्डियाँ जो बच्चे की हैं वो वजन को सहने के लिए तैयार नहीं है, मजबूत नहीं है। और आजकल एक चलन चला हुआ कि बच्चा हमारा, माता पिता सोचते हैं कि बच्चा हमारा जल्दी चलने लगे, उसे वॉकिंग ट्राईसाइकिल दे दी जाती है, उसे झूला दिला देता है कि बच्चा हमारा 6 महीने में चलने लगे, जबकि हमारे जो प्राकृतिक शारीरिक विकास है वो हमेशा 1 साल से पहले बच्चे को चलना अपने आप आ जाएगा, आप कुछ भी ना करें तब भी बच्चा अगर नॉर्मल ग्रोथ से डेवलप कर रहा है तो अपने आप ही चलना शुरू कर देगा, उसको जल्दी चलाने की कोशिश ना करें। अमूमन ये देखा तो बच्चे को माताएँ एक वॉकर ले आती हैं, उस पर चलाना शुरू कर देती हैं, तो उसकी वजह से हड्डियाँ उसके शरीर को भार सहने के लिए पर्याप्त मात्रा में मजबूत नहीं होती हैं, जिससे उसका पैर टेढ़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चा पहले से कैल्शियम डिफिशेंसी से ग्रसित है तो उसके कलाइयों में जब बच्चा क्रॉल करता है, अपनी ऐसे रेंगना शुरू करता है, तो उसकी हड्डियाँ उस भाजन को सह नहीं पाती और कलाइयों पर, घुटनों पर और टखने के पास टेढ़ापन शुरू हो जाता है, खास करके पैरों में आप देखते होंगे बच्चे के कोहनी और पैर थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। हाँ, कई बच्चों में ऐसा देखा जाता है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
बच्चे को नैसर्गिक रूप से बढ़ने देना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जबरदस्ती उसके साथ जाती न करें, बिल्कुल। और अपनी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो सारी एक्टिविटीज करेगा ही करेगा, ये मान लेना चाहिए। ये माइलस्टोन्स हैं अपने समय के साथ, ग्रोथ होने के साथ साथ उसमें वो लक्षण अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, स्वस्थ है, तो अपने आप ही समय चलना शुरू कर दे। आप उसको कितना भी रोकेंगे वो बेड पकड़ के चलना शुरू कर देगा, खड़ा होना शुरू कर देगा। ये सब डेवलपमेंटल हैं, ग्रोथ है, ये अपने आप ही शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग माइलस्टोन्स बोलते हैं, हर एक समय के साथ उसमें वो लक्षण और गुण उसके अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। उसको आप व्यवस्थित न करें, प्राकृतिक जो नैसर्गिक ग्रोथ है आपने बात कही अभी, उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई गर्भावस्था की, और क्या प्रिकॉशंस गर्भवती महिलाओं को लेने चाहिए ताकि बच्चे ठीक रहें लाइफ स्टाइल के लिहाज से? खास करके गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में खान पान पर काफ़ी ध्यान देने की जरूरत होती है, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। आपको अच्छे से संतुलित आहार लें, मल्टी विटामिन हों, मिनरल्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट एंड प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में आपको आखिरी जो जो भोजन है उसमें ध्यान देना होता है। खास करके कैल्शियम रिच फूड्स और दूध, दही, घी, केला, फल, खास करके सेब, और अगर आप ले सकते हैं तो, नहीं तो जो नेचुरल खाना है वही संतुलित आहार लें, उससे ही बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। उसमें अलग से कुछ खास करके आहार लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग नहीं ले सकते, उन पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है या ऐसा कुछ है, लेकिन आप संतुलित आहार लें और मन से प्रसन्न रहें। खास करके आखिरी दिनों में, इन दिनों जो आजकल धूप निकलती है उसमें आप धूप का सेवन जरूर करें। कम से कम हल्के कपड़े पहनकर गर्भवती महिलाओं को धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर उनके शरीर में कैल्शियम कमी या विटामिन डी कमी नहीं तो उनके बच्चे नॉर्मल डेवलप होंगे और उनका शारीरिक विकास पूरी तरह से नॉर्मल तरह से होगा। जो सामान्य भोजन है वो भी पर्याप्त है? बिल्कुल है, और उसके लिए कोई अतिरिक्त वो करने। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हर गर्भवती महिला किसी न किसी चिकित्सक के संपर्क में रहती है, बिल्कुल। और चिकित्सक की जो सलाह दी जाए खान पान में, उठने बैठने में, लाइफ स्टाइल में, उसका पालन उन्हें अवश्य करना चाहिए। खास करके जब भी आप एक गर्भवती हों तो एक चिकित्सक के संपर्क में जरूर रहें, उसकी सलाह को माने, उनकी हिदायतों को पालन करें, तो डेफिनेटली आपका बच्चा स्वस्थ होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। कि एक अच्छे पेड़ में ही अच्छे फल लगते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है कि अगर पेड़ मजबूत है, स्वस्थ है, तो उसमें लगने वाले फल भी स्वस्थ और मजबूत होंगे, जो अच्छी तरह से बढ़ेंगे और आगे उनमें पूरी तरह से प्राकृतिक लक्षण मिलेंगे। शायद इसीलिए डॉक्टर साहब, शायद मतलब हालांकि वो तो विषय थोड़ा सा अलग है, कि शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी और तमाम सामाजिक संगठनों ने, जो आप लोगों के संगठन है IMA या अन्य संगठन, इन्होंने भी प्रेरित किया है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, कि एक तो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी और डॉक्टर की देखरेख में ही चिकित्सा बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मॉर्टलिटी रेट जो है काफ़ी कुछ गिरा है। नहीं, हम लोग ऑर्थोपेडिक से बोलते हैं, उस पर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मैंने एक अपंग बच्चा है जी, एक तो वो स्वयं के लिए बोझ बन जाएगा, वो अपने परिवार के लिए बाहर है, मानसिक प्रताड़ित रहेगा, मानसिक रूप से बाहर है, और आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, और आपने एक देश, अगर एक बड़े तौर पर कहा जाए तो एक देश के लिए भी वो एक भार होता है, जिसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इससे बचाव किया जाए, ताकि ये परिवार अच्छा रहे, बच्चा अच्छा रहे, हमारा प्रदेश अच्छा रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे। तो ये एक हमारी राजनीतिक और एक आर्थिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को ध्यान, हम लगता बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर हमारा परिवार ठीक हो, हम स्वस्थ रहेंगे, तो आर्थिक दबाव बिल्कुल कम पड़ेगा, भार कम पड़ेगा, क्योंकि एक अपंगता भी एक तरह का एक आर्थिक और मानसिक शारीरिक हर तरह से कहते हैं कि दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा और उसके परिवार हमेशा चिंता में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की गर्भस्थ और नवजात शिशु के बारे में, अब हम लोग थोड़ा बड़ों के बारे में बात करें कि बड़ों को भी ज्वाइंट केयर कैसे कर सकते हैं, बोन की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहली समस्या आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, बिल्कुल, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कानपुर शहर में तो खासतौर से इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ की सड़कों का हाल तो विदेश तक लोग जानते हैं, और जब 2-व्हीलर से चलते हैं तो झटके लगते हैं, उससे कुछ परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कब इसके लक्षण क्या हैं,
और इसको कैसे पहचाना जा सकता है, बाद में उसके निदान के बारे में भी आप चर्चा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यंगस्टर्स की, और जो युवा वर्ग है उनमें भी आजकल ये गर्दन के दर्द की तकलीफ बहुत कॉमन हो गई है, खास करके जो 20 से 40 साल के जो हमारे वर्किंग युवा के लोग हैं या स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं, उनमें एक गर्दन दर्द की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होगी। इसकी वजह छात्रों में खास करके कि पढ़ते समय एक ही पोस्टर में पढ़ते रहना, और लाइट का पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका लाइट सोर्स जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से है। हाँ, उसका दिशा आपके गर्दन की मांसपेशियों में दबाव डालती है। दूसरा, एक ही पोस्टर में पढ़ते रहने से साथ खास करके जब पढ़ते समय आप बेड पे पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते समय पीछे तकिया लगा ली और पीछे लेट गए, लेटते पढ़ते पढ़ते सड़क गए और पीछे तकिया का दबाव बढ़ता चला गया, तो इससे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता है गर्दन में एक ही पोस्टर में रहने से। दूसरा, जो आजकल ऑफिसर्स में हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं CRS, कंप्यूटर रिलेटेड सिंड्रोम। जी, CRS, क्योंकि आप कंप्यूटर हमारी जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, उसके बगैर हम लोगों का और आने वाले समय में इसके बगैर सर्वाइवल संभव नहीं है, तो हमें चाहे जिम्मेदारी और हमारा एक रूटीन होना चाहिए कि हमें इससे बचाव कैसे किया जाए। बहुत लोग यंगस्टर अब 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12 घंटे आप कंप्यूटर पर काम करते हैं एक ही पोस्टर में बिना ब्रेक के। आपको अगर मानो एक लक्ष्य दिया गया कि आपको आज ही पूरा करना है, तो आप बिना ब्रेक के बिना किसी ब्रेक लिए बीच में उसी कंप्यूटर पर एक ही पोस्टर में काम करते रहते हैं, जिससे कि हमारी मांसपेशियाँ हैं ना उस पर खिंचाव बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सिर है 2.5 से 3 किलो वजन का होता है, तो ये मांसपेशी लगातार एक इस वजन को एक साथ एक पोस्टर में रखने के लिए हमेशा खिंचाव में रहती हैं, तो उसकी वजह से भी ये गर्दन दर्द खास करके यंगस्टर से बहुत कॉमन हो गया। और उसकी वजह से यही हमने बताया कि बेड में घर में आजकल TV बड़े कॉमन हो गए हैं, बेडरूम में लोग लगवा लेते हैं, लेटते समय भी पीछे पिलो लगाई और आप उस पर लेट कर TV देख रहे हैं, गलत पोस्चर होता है वो, उसकी वजह से बैक की मसल्स और मांसपेशियों की जो गर्दन में होती हैं उनमें अनवांटेड अननेचुरल पोस्चर में खिंचाव पड़ता है, वो कत लगातार खिंचाव बनता रहा तो वो कुछ देर बाद वो फिर मसल्स थक जाती हैं और वो गर्दन के वजन को संभाल नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से उनमें लगातार दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप गलत पोस्चर में ना बैठें, और अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो आप कम से कम हर आधे घंटे के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक जरूर लें, मांसपेशियों को हल्का सा ऐसे सहलाएँ, इधर उधर घुमाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें, जिसकी वजह से मांसपेशियों को आराम करने का मौका मिले। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपना पोस्चर जरूर ठीक रखें और कंप्यूटर में वर्क करते समय एक ब्रेक जरूर लें बीच में, जिससे इस परेशानी बचा सकता है। रही उम्र दराज लोगों के बीच, डॉक्टर साहब आपने अभी एक बात कही कि पोस्चर जरूर बदलें और लगातार काम करना, तो भी एक छोटा सा ब्रेक तो ले लें 2-3 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि ये समय अब हो गया है हमारे भी ब्रेक लेने का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे और बताएंगे डॉक्टर साहब कि किस तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो भी गया है तो उसकी केयर कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NAPH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। आप देख रहे हैं सेहत के सूत्र, और सेहत के सूत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं बोन एंड ज्वाइंट केयर की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट GSVM। तो डॉक्टर साहब, हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस की चर्चा तो कर ही रहे थे,
अब हम बात करते हैं गठिया और कमर का दर्द या कूल्हे का दर्द। ये बड़ा कॉमन हो गया है और तमाम लोग पीड़ित हैं। स्टिक लेके चलना पड़ता है लोगों को मजबूरी में, क्योंकि वो अपने सहारे से चल नहीं पाते हैं। तो क्या है ये क्यों पैदा हो जाती है ये तकलीफ? सबसे पहले बात करते हैं कमर दर्द की। जी, कमर दर्द आज के आधुनिक युग में बड़ा ही कॉमन हो गया और बहुत ही हर तीसरे व्यक्ति को हमारी ओपीडी में 70-80% जो मरीज आते हैं वो किसी न किसी रूप में कमर दर्द की परेशानी से ग्रसित होते हैं। उस परेशानी की वजह से और कहीं परेशानी पैदा होती है, उसको हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, उनकी वजह से भी आते हैं। तो कमर दर्द का एक सबसे मुख्य कारण है कि हमारी आजकल जो लाइफस्टाइल, और दूसरा एक हमारे शहर की सड़कों का ठीक ना होना, उबड़ खाबड़ होना। चाहते ना चाहते हुए भी हम उस सड़क या उसके जो लगने वाले झटके से ग्रसित होते हैं। हम जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसमें चाहने चाहने के बावजूद हमारे कमर में झटके लगते रहते हैं। जैसे मैंने गर्दन के लिए बोला, वही मांसपेशियाँ आपकी कमर को, आपके पोस्चर को सीधा रखती हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डी, उसको सीधा रखने का काम तो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन उसको साइड में घुमाना, उसको सीधा रखने का काम मांसपेशियों का होता है। फिर वही बात आती है कि बेड पे लंबे समय तक टीवी देखना, गलत पोस्चर में बैठना या चेयर पे बैठना, ऐसे झुक कर बैठना, हम लोग को ऐसे बैठना चाहिए, पूरा स्पाइन आपका सीधा रहे ताकि शरीर का वजन रीढ़ की हड्डी के थ्रू नीचे ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसे झुक कर बैठ जाते हैं या काम करते इसी पोस्चर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो पीछे की मांसपेशी तो हमारे मेरे रज्जू को सीधा रखती है, उन पर खिंचाव बनना शुरू होता है, वो थक जाती हैं और वो फिर दर्द के रूप में हमें परेशान करती हैं। तो हमें चाहिए कि कमर सीधी रखें और पोस्चर सही रखें, हार्ड बेड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा कुशन का इस्तेमाल ना करें, बहुत सॉफ्ट बेड ना हो आपका। दूसरा ये कि सड़कें हैं, उस हमें बचाव करना चाहिए कि ख़राब सड़कों से अवॉइड करें। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि पोस्चर ठीक रखें अपने ऑफिस में, अपने बेड में, अपने वर्क स्टेशन पे, अपने वर्किंग प्लेस पर, और नियमित व्यायाम जरूर करें कमर का। बहुत समय तक काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेना, सूर्यासन जिसे कह सकते हैं हम कर सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेकर आप स्पाइन को सीधा कर सकते हैं, दांत में घुमा सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिले और उनको एक पोस्चर से बचाव किया जा सके। दूसरा रही घुटने के दर्द। जी, घुटने का दर्द ये भी बड़ा कॉमन है और बहुत से लोगों को ये तकलीफ है घुटने का दर्द। फिर वही बात आती है कि हमने व्यायाम को अपने लाइफ का पार्ट नहीं बनाया है। हमारी हर तरह की परेशानी हमारे एक दिनचर्या से जुड़ी हुई है, खान पान, दिनचर्या और हमारा पोस्चर। कई लोग जो ऐसे हैं जिनका काम है पालथी मार के बैठने का, बहुत जैसे लोग, कुछ लोगों का बिजनेस होता है, उनमें बैठ कर ही उनको अपना काम देखना पड़ता है, या जिससे पूजा करने के लोग हैं उनका, उसी पुजारी लोग हैं, उनको की पोस्चर बहुत दिन हाँ, पद्मासन में बैठ कर ध्यान करेंगे, पालथी मार के ही बैठना है, पालथी मार के उनको पूजा करानी है, या कुछ बिजनेस मैन जिनका बिजनेस ही केवल पालथी मार बैठ के, हाँ वो गद्दी पुराना सिस्टम था गद्दी में बैठने का, बिल्कुल। तो वो अब तो धीरे धीरे बदल रहा है, लोग चेयर टेबल चेयर पे आ रहे हैं, बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि कई बार पुरानी कोई चोट है घुटने में आपकी रही हो, आप उसको छोटा मोटा समझ कर अवॉइड कर देते हैं, और वो उस पर जो हमारे जोड़ के बीच में, दो हड्डियों के बीच में गद्दी होती है जिसे हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, उसमें चोट लग जाना या किसी इन्फेक्शन की वजह से उसमें गद्दी में विकार आना, उस तो उसकी वजह से अपना गद्दी काम करना बंद कर देती है और हमारी हड्डियां आपस रगड़ने लगती हैं बहुत लंबे समय तक। कार्टिलेज भी कहते हैं क्या जिसे हम नहीं, वो कार्टिलेज तो हड्डी के किनारे का एंड होता है जो आपस में बहुत स्मूथ होता है, वो एक दूसरे को चिकना रखता है, लेकिन अगर गद्दी खराब होगी तो गड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, वो काटले धीरे धीरे करके इरोड होने लगता है। लंबे समय तक अगर यही परिस्थिति बनी रहे तो काटले इरोड होने के बाद वो हड्डियाँ का जो अंदरूनी हिस्सा है वो रगड़ खाने लगता है, और जिससे हमारी नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं और वो आपस में रगड़ खाती हैं तो दर्द होता है, और उसकी वजह से मांसपेशियाँ कमजोर रहती हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो धीरे धीरे करके उनका फिर घुटने में टेढ़ापन होना शुरू होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया बहुत तरीके की होती है। एक तो हम लोग जिसे कहते हैं कि घुटने का, जो आम भाषा में कहते हैं कि जोड़ का घिसाव हो गया और मोबिलाइल कम हो गया, जिसे कहते हैं आम भाषा कहते हैं ना कि उसमें चिकनापन कम हो गया, चिकनापन कम हो गया। गठिया और भी तरीके होती है, जैसे हम लोग कहते हैं उम्रदराज गठिया होती है तो उम्र के साथ होती है। दूसरा ये कि रोमटाइड आर्थराइटिस की वजह से, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, या किसी पुरानी चोट की वजह से घुटना घिसना शुरू हो जाता है, उसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जैसे मानो घुटने की या किसी भी जोड़ की बोन्स के एंड टूट गए हैं, टेढ़े जुड़ गए हैं, तो वो उनकी जो आर्टिकुलर सरफेस है खराब हो जाती है, तो वो
अनुचल स्थिति में रगड़ खाती है और इसकी वजह से दूसरी हड्डी को भी खराब करती है और वो जॉइंट खुरदरा हो जाता है, जिससे हम लोग फिर लंबे समय के बाद एक्सरे में उसके लक्षण देखते हैं और जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पुरानी चोट हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, एंकालोजिंग उस पॉइंट होती है, या कई बार होता है कि पस बन गया जॉइंट में, या टीबी का विकार होने की वजह से वो गद्दी गल जाती है और आर्टिकुलेट कार्टिलेज खराब हो जाती है, उसको हम लोग ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस कहते हैं। तो टीबी की वजह से भी जो हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे शहर में सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बट इन सब में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि उम्रदराज गठिया, तो वो आजकल हर एक में देखने को मिल रही है और अब उसके विकार भी कारण बढ़ते जा रहा है। दूसरा उनका उपचार हो गया और लोग थोड़े जागरूक भी हो गए, जागरूक उसकी वजह से लगता है कि ये विकार बढ़ रहा है। तो आदिकाल से होता आया है, लेकिन हम लोग उसके विकार हो गए, हम लोग सजग हो गए और उसके उपचार उपलब्ध हैं, तो मरीज भी थोड़ा सा सजग हो गया, उसको लगता है कि हमारे अर्ली स्टेज में आने लगा हमारे पास, तो उसको लगता है गठिया हमारे शुरू हो गई है। गठिया का मतलब ये होता है कि जोड़ से संबंधित कोई भी दर्द, सूजन, हम आम आदमी उसको गठिया ही बोलते हैं, लेकिन हमारी एज ए डॉक्टर, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, जब उस पर एक्सरे में बदलाव या टेढ़े पर आने से होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि आर्थराइटिस हो गई है। हमारी भाषा में गठिया तब कही जाती है जब उसमें हड्डी और जोड़ में एक्सरे में फाइंडिंग होने लग जाए या उसके दिखने में टेढ़ापन आना शुरू हो जाए, तो उसे हम लोग गठिया बोलते हैं। लेकिन इसका कारण यही है कि हमारे विकार को बचाव, घुटने हमारे स्वस्थ हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमको, हमारे दर्शकों को गठिया के बारे में भी बताया और कमर या कूल्हे के दर्द के बारे में भी बताया, लेकिन इससे बचे रहें इसका क्या उपाय है? ये सबसे जरूरी आपने सवाल किया कि बचाओ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, किसी चीज़ को आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए तो ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि फिर वो नहीं तो फिर कूल्हा बदला जाता है या घुटना बदला जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ शुरू हुई है, कूल्हे में दर्द अगर शुरू हुआ है, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि कूल्हे के जो गठिया है उसका मेन कारण होता है, कूल्हे के जो फीमर हड्डी होती है उसमें हेड होता है, उसमें खून का दौरा बंद हो जाता है। उसका मुख्य कारण है हमारे देश में शराब। हाँ, जो लोग शराब पीते हैं या सेवन करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उनके जो कूल्हे का जोड़ है उसमें फीमर हड्डी का हेड होता है, उसमें खून का दौरा बंद हो जाता है, जो सब उसकी नस है, ब्लड सप्लाई उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है और वो कूल्हा सूखने लगता है। सूखने की वजह से गोला उसका खुरदरा हो जाता है, वो ऊपरी कटोरी जिसे हम स्टॉबलम कहते हैं वो भी खुरदरा हो जाता है, तो इसकी वजह से कूल्हे में विकार हो जाता है और हिप की आर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से बैठने में तकलीफ होती है, पालथी मारने में, उकड़ू बैठने में, टॉयलेट करने में और आपके कार चलाने में, किसी हर दिन चलने में आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी। और उसके मुख्य लक्षण है कि आपको अगर आपको किसी को इस तरह का दर्द होता है कूल्हे का, खास करके जो शराब का लंबा सेवन कर चुके हैं, उसको छुपाएं नहीं डॉक्टर से, उससे बारे में खुलकर बात करें। अगर डॉक्टर पूछता है कि आपने सेवन किया शराब का या किसी लंबी बीमारी का जैसे स्टेरॉयड का लंबे समय तक, हाँ वो भी नुकसान दे, स्टेरॉयड जिसे जो सांस के मरीज हैं या जिसको किसी अंग प्रत्यारोपण हुआ है उनमें ये एक स्टेरॉयड होती है, वो दवा दी जाती है लंबे समय तक, या जैसे अस्थमा के मरीज हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, या जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत सीवियर गंभीर रूप वाली आर्थराइटिस, उसमें जोड़ों में सूजन होती है, मरीज बहुत दर्द से ग्रसित होता है, उस समय कुछ चिकित्सक उस दर्द को कम करने के लिए स्टेरॉयड नाम की दवा दी जाती है, ताकि उसकी अक्यूट परिस्थिति, अक्यूट दर्द जो गंभीर स्थिति उस वक्त है वो कम हो सके, उससे बहुत अच्छा आराम आता है, लेकिन उसके गंभीर स्टेरॉयड के नुकसान भी हैं। हाँ, उसके गुर्दा खराब होता है आपका और आपकी हड्डियों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, तो मरीज को खुलकर बताएं, डॉक्टर को बताना चाहिए कि आप कभी इसका सेवन कर चुके हैं, ताकि उसका इलाज किया जा सके और आगे आपको उससे अन्य अंगों पर जो उसका प्रभाव पड़ना है वो उससे बचाया जा सके। तो स्टेरॉयड का प्रयोग, आपका शराब का लंबे समय तक प्रयोग आपके हर चीज़ के लिए तो नुकसानदायक है, साथ ही आपके साथ कम लोगों को बताया कि आपके जोड़ों को भी ख़राब करता है वो, तो खुलकर बताएं ताकि आपके अंग, बाकी अंग पे उसका दुष्प्रभाव रोका जा सके, बचाया जा सके। रही आपके बचाओ कमर दर्द जी, जी। और गुठिया के दर्द के बारे में, तो आपको पोस्चर ठीक रखना है अपना, वर्क स्टेशन जहाँ बैठे हैं अपना रीढ़ गड्डी सीधी रखें, बेड लें, बहुत सॉफ्ट बेड न लें, हार्ड बेड जिसे कहते हैं, हार्ड बेड हो उस पर थोड़ा कॉटन का बेड हो वो ज़्यादा सबसे बेटर माना जाता है। जो ये फोल्डिंग पलंग्स हैं या खाट्स हैं, उनका इस्तेमाल जब ढीली हो जाए तो उनको टाइट करवा लें, ताकि उनका ना पोस्चर बैक का ठीक रहे हमारे। और काम करते समय नियमित व्यायाम जरूर करें, घुटने के लिए भी, कमर के लिए भी और गर्दन के लिए भी नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, और सबसे बड़ी चीज़ धूप में बैठें। धूप में बैठने से हमारे शरीर को
विटामिन डी हमारे शरीर त्वचा में बनती है वो नॉर्मल रूप से बनेगी, ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो और आपको उससे होने वाले विकार, शारीरिक विकार, और क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर के हर अंग में ज़रूरी होती है। कहने को तो सिर्फ लक्षण आपको दिखते हैं शारीरिक विकार के रूप में, लेकिन उसकी ज़रूरत हर शरीर के हर अंगों को, हर अंग को होती है, खास करके गर्भवती महिलाओं को और आजकल की यंगस्टर्स गर्ल्स हैं उनको, कि उनके ग्रोथ में, उनके पीरियड्स में, उनके फ्यूचर में, जो गर्भावस्था में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो बचाव ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कैल्शियम रिच फूड लें, दूध दही घी का सेवन ज़रूर करें, साथ साथ नियमित व्यायाम करें और अपने आप को खुश रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी तरह से मानसिक तनाव ना हो, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपका चैतन्य अच्छा रहेगा और आपके शरीर और अपने अपने परिवार का और अपने आप वर्क स्थल पर आप सबका ध्यान रख सकेंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी है, हैप्पीनेस सबसे, हैप्पीनेस सबकी जड़ है। अगर आप हैप्पी हैं तो अपना ख्याल रखेंगे, अपना सबका ख्याल रखें और सबसे बड़ी चीज़ आप प्रसन्नचित रहेंगे तो आप सबका ध्यान रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमको बताया कि गठिया और कमर दर्द में क्या सावधानी बरतें, किस तरीके की दिनचर्या रखें। कोई और मैसेज अगर देना चाहते हों जो सभी लोगों के लिए हो, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है हमारा, ताकि दर्शकों को ये लाभ मिल सके आपकी उपस्थिति का, कि वो और अपनी, मतलब जैसे कहा जाता ना कि दधीच की हड्डियां थीं जिनसे संग्राम हुआ और तमाम असुरों का वध किया गया, ऐसा पौराणिक कहानी कही जाती है, तो क्या वो हड्डियां मजबूत रही होंगी, इसीलिए उसी से बनाया गया था वो? तो हड्डियां मजबूत कैसे रहें, ये आखिरी एक बता दीजिए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे देश की जो महिलाएं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इस परेशानी की जड़ से, कहते हैं शारीरिक विकार के सारे जड़ गर्भावस्था से शुरू होते हैं, तो अगर घर की लेडी पढ़ी लिखी है, जागरूक है और गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान रखती है और आने वाले गर्भ में जो बच्चे पल को ध्यान रखेंगे, खान पान अच्छा लेंगी, नियमित व्यायाम करेंगी, खुश रहेंगी, तो आने वाला बच्चा जो होगा स्वस्थ होगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा, वही बच्चा आगे चलकर बड़ा बनेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, उसमें ये परेशानियाँ शुरू से ही बची जा सकेंगी। दूसरा ये कि एक नियमित व्यायाम की एक हर एक रूटीन होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, कि नियमित व्यायाम करें और धूप में ज़रूर बैठें, धूप का सेवन करें, कम से कम आधा घंटा धूप जरूर लें, रोज़ लें। ये ना सोचें कि आपके कॉम्प्लेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका शारीरिक विकास होना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्शन से तो बचा सकता है, लेकिन अगर विकार हो गया तो उसके लिए आप बहुत परेशान होंगे, आप स्वयं परेशान होंगे, आपका परिवार परेशान होगा, आने वाली आपकी जनरेशन से प्रभावित होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ से जागरूकता रखते हैं तो आने वाले बच्चे स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार सुखी रहेगा और हमारा प्रदेश देश खुशी रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है कि स्वस्थ भारत जागरूक। हाँ, उन्होंने तो 4 वर्ष का एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया है, बिल्कुल हेल्दी इंडिया के लिए, हेल्दी इंडिया के, स्वस्थ भारत, जागरूक भारत और विकसित भारत। मेरा अपना ये कहना है कि स्वस्थ भारत, विकसित भारत और जागरूक भारत। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल तक आए और आपने हमारे दर्शकों को बोन एंड ज्वाइंट केयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने जाना कि ज्वाइंट और बोन केयर के लिए लाइफ स्टाइल, सही पोस्चर बहुत ज़रूरी है। जो आपका वर्क स्टेशन है, यानी जहाँ पे आप काम करते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो एक ही पोस्चर में लगातार न बैठें और सही पोस्चर में बैठें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या रखें और व्यायाम भी उसके लिए आवश्यक है। व्यायाम भी करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। सेहत के सूत्र में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए JMD न्यूज़।